नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम का विषय यूनिकोड का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 2019-20 में प्रथम वर्ष कला अर्थात FYBA के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य विभाग, पद्य विभाग और पाठ्यपुस्तकेतर विभाग, इस प्रकार के तीन विभाग हैं। इसमें से पाठ्यपुस्तकेतर विभाग के अंतर्गत कुल 6 मुद्दे हमें दिए गए हैं। इनमें से एक विषय है यूनिकोड की सामान्य जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। आज जीवन के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी व्यापक महत्व बढ़ चुका है। आज इलेक्ट्रॉनिक के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। विशेषतः 20वीं शताब्दी अगर विज्ञान की शताब्दी मानी जाती है तो 21वीं शताब्दी जो है वह सूचना प्रौद्योगिकी की शताब्दी मानी जाती है। और इस शताब्दी के भीतर कंप्यूटर, मोबाइल या जो प्रिंट मीडिया है या जो अन्य प्रकार का मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक साधन है, उनका व्यापक मात्रा में विकास होता जा रहा है। आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में हमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करना पड़ता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी विचार करें तो विभिन्न अवसरों पर हमें इलेक्ट्रॉनिक साधन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग जो है वह व्यापक मात्रा में करना पड़ता है। तो एक प्रकार से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर विभिन्न संदर्भों में हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सामग्री, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा में डाटा कहा जाता है, इस डाटा का व्यापक मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो या चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हो, इन सभी माध्यमों में हमें इस सामग्री का उपयोग विभिन्न कारणों के लिए करना पड़ता है। समाचार पत्र है या रेडियो है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है या अन्य अनेक साधन है, इन सभी साधनों में हमें ये जो आज इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध सामग्री है, इस सामग्री का व्यापक मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में आज आप देखेंगे कि आज छापित माध्यम या जिसे हम पब्लिशिंग माध्यम कहते हैं, उससे अधिक महत्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बढ़ता गया है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप प्रभाव जितना भी बढ़े, लेकिन एक बात है कि प्रिंटिंग मीडिया भी आज उतना ही आवश्यक है। सामान्यतः 15वीं शताब्दी में इस प्रिंटिंग मीडिया का या प्रिंट मशीन का प्रारंभ हुआ या मशीन की शुरुआत में उसका अनुसंधान हुआ। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत में पहली छपाई मशीन जो है वह 1852 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाई गई थी। और उसके बाद भारत में भी ये छपाई का माध्यम, जिसे अंग्रेजी में पब्लिशिंग कहते हैं, ये पब्लिशिंग का काम जो है वह शुरू हुआ। अनेक भारतीय विद्वानों ने, अनेक भारतीय महानुभावों ने प्रेस की शुरुआत की थी और उस माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित होने लगे थे। आज आजादी के बाद इस मीडिया का महत्व आज व्यापक मात्रा में बढ़ गया है। जैसे कि हम जानते हैं, मीडिया को आज लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और आज वर्तमान परिस्थिति में इस स्तंभ की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना भी महत्व बढ़े, प्रिंट मीडिया को भी उतना ही महत्व हम दे सकते हैं या दिया जाता है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत या शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य विभिन्न अनेक क्षेत्रों में हमें सामग्री को टंकित करना पड़ता है, उसका टाइपिंग करना पड़ता है। तो आज के इस युग में जब बहुत बड़ी स्पर्धा चल रही है, उस समय में
टंकन का काम एक मुश्किल काम बनता जा रहा है, क्योंकि खास अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में टंकन की सुविधाएं अधिक है, और दूसरी बात अंग्रेजी में कुछ कॉमन ऐसे फॉन्ट्स तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से आप आराम से टाइपिंग का काम कर सकते हैं। दूसरी बात अंग्रेजी जो है वह वर्णात्मक लिपि होने के कारण एक वर्ण के आगे दूसरा वर्ण लिखा जाता है, इसलिए टंकन में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरी बात अंग्रेजी में टंकन के दृष्टिकोण से अंग्रेजी वर्णों की संख्या लिमिटेड है, अर्थात केवल 26 वर्ण है, इसलिए टंकन और अधिक आसान हो जाता है। लेकिन भारतीय लिपियों की बात करें तो देवनागरी लिपि में 60 से अधिक वर्ण है। दूसरी बात मात्राएं, उपमात्राएं, अनुस्वार वगैरह, इनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ मात्राएं पहले लगती है, कुछ बाद में लगती है, कुछ ऊपर लगती है, कुछ नीचे लगती है। ऐसी परिस्थिति में टाइपिंग या टंकन एक बहुत मुश्किल का काम बनता जाता है, और यही कारण है कि आज टाइपिंग की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के जो फॉन्ट्स है या विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है वह तैयार किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम जानते हैं कि आज DTP जिसे कहा जाता है, टाइपिंग का काम जिसे हम कहते हैं, वह DTP का काम दिन ब दिन आसान बनाने की दृष्टि से प्रयत्न जो है वह किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम जानते हैं कि पहले जो टाइपिंग का काम होता था वह टाइपराइटर पर होता था, काफ़ी मुश्किल होती थी। अब कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर के कारण कुछ सामान्य सुविधाएं आज हमें प्राप्त हुई है, और इन सुविधाओं के कारण हम टाइपिंग का काम थोड़ा आसानी से करने लगे हैं। लेकिन फिर भी मराठी या हिंदी या जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाने वाली लिपियाँ हैं, प्रत्येक लिपि का अपना अलग वैशिष्ट्य है, प्रत्येक लिपि का अपना अलग महत्व है। दूसरी बात, विश्व में एक भाषाएं नहीं है, अनेक भाषाएं हैं, और सभी भाषाएं एक व्यक्ति को सीख पाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति अलग अलग भाषाओं में टाइपिंग कैसे कर सकता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता निर्माण हुई, और एक कॉमन सॉफ्टवेयर की निर्मिति करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम हम कह सकते हैं वह है यूनिकोड। अर्थात टाइपिंग की दृष्टि से आप किसी भी भाषा में एक ही सिस्टम के माध्यम से टाइपिंग का काम आसानी से कर सके, इसी उद्देश्य से ये यूनिकोड का निर्माण या यूनिकोड सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम जो है वह वैज्ञानिकों द्वारा या सॉफ्टवेयर तंत्रज्ञों द्वारा किया गया है। अब इस माध्यम से आप एक विशिष्ट सामान्य लिपि के माध्यम से काम कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती, कंप्यूटर मूलतः कोड सिस्टम पर चलता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं या जिसे हम द्विभाषी कूट कहते हैं। कि कंप्यूटर को आपकी भाषा पता नहीं है, उसके कोड है, प्रत्येक अक्षर के लिए वो एक कोड ग्रहित करता है, और उसके आधार पर आपको भले ही मॉनिटर पर अक्षर दिखाई दे, प्रत्यक्षतः जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वह एक कोड के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। इस कारण कंप्यूटर पर किसी भी भाषा में काम किया जा सकता है, क्योंकि उसको केवल कूट पद्धति या कूट सॉफ्टवेयर आपको तैयार करने हैं। तो इसी बात की, क्योंकि आज जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग मतलब ISM के फॉन्ट्स अलग अलग है, दूसरे कृतिदेव वगैरह ये फॉन्ट्स अलग अलग है, चाणक्य वगैरह ये फॉन्ट्स अलग अलग है, मतलब हर स्थिति में आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिखाई देंगे, और ऐसी परिस्थिति में सभी फॉन्ट की अपनी अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग सिस्टम है, और एक व्यक्ति को सभी फॉन्ट्स में टाइपिंग सीखना आसान नहीं है। आप अगर कंप्यूटर पर कहीं जाते हैं, कोई आपको एक फॉन्ट दिखाई देता है, उसके उसमें से कुछ मटेरियल आपको टाइप करना चाहते, तो वह फॉन्ट आपके पास नहीं होता या वह फॉन्ट आपके सिस्टम में मैच नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में आपको टाइपिंग के काम में मुश्किल हो जाती है या आप आसानी से टाइपिंग का काम नहीं कर पाते हो। तो इसी बाधा को दूर करने के लिए और इसी उद्देश्य के तहत यह यूनिकोड तैयार किया गया है, और यूनिकोड के माध्यम से आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एक ही सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में टाइपिंग का काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसके लिए क्या किया गया, तो संपूर्ण विश्व भर की जितनी प्रमुख भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं के जो प्रमुख कैरेक्टर है, प्रमुख वर्ण है, कुल मिलाकर ऐसे 256 वर्णों का एक कॉमन ASCII कोड या निरूपण ASCII कोड उसे कहा जाता है, ASCII ASCII कोड जो है वह इसके अंतर्गत किया गया, और जिसके कारण आप विश्व की विभिन्न भाषाओं के कैरेक्टर्स को आसानी से टाइप
कर सकते हो। मतलब यूनिकोड की जो निर्मिति हुई है या यूनिकोड ये जो तैयार हुआ है, इसका उद्देश्य यही है कि विश्व की किसी भी भाषा में आप किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। तब जब आप यूनिकोड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसमें आप जिस भाषा के माध्यम से आप चाहोगे उस भाषा के माध्यम से आप टाइपिंग का काम कर सकते हैं, और वह भी अत्यंत सामान्य पद्धति से, अत्यंत अंग्रेजी टाइपिंग के अनुसार या अंग्रेजी भाषा को बेस पकड़कर आप टाइपिंग का काम कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको अलग अलग कीज ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, वरना क्या हो जाता है कि प्रत्येक फॉन्ट्स के अंतर्गत अलग अलग कीज है। मतलब समझ लीजिए कंप्यूटर पर n कीज है, तो n कीज में अगर आप किसी कृतिदेव फॉन्ट में टाइप कर रहे हैं तो कृतिदेव में यन का अर्थ अलग हो जाता है, वही ISM फॉन्ट में यन का अर्थ अलग हो जाता है, यन अलग आ जाती है। ऐसे समय में विश्व के विभिन्न फॉन्ट्स को ध्यान में रखना और उसके आधार पर टाइपिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए ये यूनिकोड की व्यवस्था निर्माण की गई, और यूनिकोड में आप अत्यंत आसानी के साथ इसमें टाइप कर सकते हो। मतलब आपको अगर आपको कोई शब्द टाइप करना है, समझ लीजिए आपको राम शब्द टाइप करना है, तो आपको RAM टाइप किया तो आपको राम अपने आप, अगर मराठी आप टाइपिंग करते हो राम अपने आप आ जाएगा। मतलब अंग्रेजी भाषा को बेस मानकर, न्यू मानकर ये यूनिकोड फॉन्ट तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से आज टाइपिंग का काम, टंकन का काम अत्यंत आसानी से किया जा सकता है। तो यही इसका उद्देश्य है, यही यूनिकोड का परिचय है। तो ये हुआ उसका थोड़ा सा परिचय, उसके बारे में जानकारी। अब अगर हम देखें तो वास्तव में यूनिकोड है क्या, तो यूनिकोड एक भाषा प्रोग्राम है या एक भाषा सॉफ्टवेयर है। यूनिकोड एक भाषा प्रोग्राम है या एक भाषा सॉफ्टवेयर है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के, जैसे हमने पहले कहा 256 कूट या 256 कोड, 256 कैरेक्टर इसके अंतर्गत लिए गए हैं, और ये 256 कैरेक्टर विश्व की बहुत सी भाषाओं को लेकर या विश्व की अनेक भाषाओं से एकत्र लाए गए हैं। अब इस कोड को यूनिकोड के अंतर्गत तीन प्रकार की व्यवस्थाओं में निर्माण किया गया है, या तीन प्रकार की सिस्टम प्रणाली इसके अंतर्गत निर्माण की गई है। पहली सिस्टम है UTF-8, पहली सिस्टम है UTF-8। UTF-8 का मतलब है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। अब इसके अंतर्गत समस्त जो यूनिकोड अक्षर है उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे बाइट में बदला जाता है, या बाइट के कोड में इसके अंतर्गत बदला जाता है। मतलब 1, 2, 3 और 4 बाइट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व की विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को इसमें बदला जाता है। ये प्रणाली या ये व्यवस्था है UTF-8। दूसरी है UTF-16 अर्थात यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16। इसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व के जो अक्षर कूट है इनको 1 या 2, एक शब्द मतलब 16 बिट, एक शब्द का मतलब है 16 बिट, इस तरह से 1 या 2 शब्दों में संपूर्ण जो विश्व के विभिन्न अक्षर है इनको एक कोड में या 1 या 2 कोडों में विशिष्ट रूप से बदला जाता है। और ये वर्ल्ड ओरिएंटेड जो MS वर्ल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ओरिएंटेड व्यवस्था जो है वो निर्माण की गई है। आगे जाकर तीसरी व्यवस्था का निर्माण हुआ है UTF-32 अर्थात यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32। इसमें समस्त अक्षरों को 2 शब्दों में अर्थात 32 बिट में विभाजित किया जाता है, या 32 बिट में बदला जाता है, और उसके आधार पर काम किया जाता है। तो जो पहले के कंप्यूटर है वह इन तीन सिस्टम के माध्यम से, मतलब UTF-8, UTF-16 और UTF-32, इन तीन सिस्टम के माध्यम से या तीन सिस्टम के आधार पर काम करती है। आज अगर विचार करें तो आज एक चौथी सिस्टम आधुनिक निर्माण हुई है, वह UTF-64। आज UTF-64 उससे आधुनिक जो Windows 19, Windows 20 के आधार पर जो सिस्टम बनाई गई है, जो UTF-64 के आधार पर अर्थात यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 64 के आधार पर भी काम करती है। इस प्रकार की इन प्रणालियों का या इन यूनिकोड व्यवस्था का प्रयोग जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा कि कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है, उसके एक कोड है और ये कोड कंप्यूटर को दिए रहते हैं। इसी कारण जब आप एक प्रेस करते हो आपको मॉनिटर पर ये दिखता है, लेकिन CPU को, मदर प्रोसेसिंग बोर्ड को ये पता
नहीं है, उसका एक कोड है, समझ लीजिए उसका कोड 01 है। तो वो 01 समझता है, तो आप टाइप ए करते हो, कंप्यूटर समझता है मदरबोर्ड के पास संदेशा 01 का जाता है और वह दोबारा उसका डिकोडीकरण करके हुए मॉनिटर पर आपको ये दिखाई देता है। इसे बाइनरी सिस्टम या द्विभाषिक कोड पद्धति कहा जाता है और इसी द्विभाषिक कोड पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का सारा काम चलता है। दूसरा, कंप्यूटर पर प्रत्यक्ष काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के आधार पर कंप्यूटर अपना सारा काम करता है, मतलब चाहे विराम चिन्ह हो या चाहे अन्य भाषा के प्रतीक हो, अक्षर हो, शब्द हो, ये सभी जो है वह विभिन्न कुट पद्धति के माध्यम से टाइप होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये UTF या यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो है वह तैयार की गई है। तो ये हुई तीन व्यवस्था। अब तीसरा भाग हम देखेंगे हिंदी में आज टाइपिंग करने के दृष्टिकोण से कंप्यूटर पर, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हम ले सकते हैं और इन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर हिंदी टाइपिंग की दृष्टि से कौन कौन से कीबोर्ड उपलब्ध है कि जिनके माध्यम से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। तो एक 5-6 हिंदी कीबोर्ड आज उपलब्ध है जिन्हें आपको गूगल के माध्यम से कहिए या जो जहाँ प्रत्येक का अपना अपना सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको टाइप करना या उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से है? पहला टाइपराइटर है रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड। रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड ये टाइपराइटर है और ये कृतिदेव और देवलास आदि जो फॉन्ट है इनके लिए काम करता है। मतलब कृतिदेव आपको टाइपिंग करनी है, देवलास फॉन्ट में टाइपिंग करनी है, कृतिदेव के अंतर्गत उसके सभी फॉन्ट आ जाएंगे, तो उसके अंतर्गत टाइपिंग करने के लिए आपको ये रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड या कीबोर्ड ये टाइप ये जो सिस्टम है या ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा, रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड उसका नाम है लेकिन ये गेल सिस्टम में है और ये क्या करता है, GAIL, ये गेल सिस्टम में है और इसके माध्यम से आप यूनिकोड अर्थात मंगल आदि जो फॉन्ट्स हैं इनके अंतर्गत टाइपिंग का काम कर सकते हैं। मतलब मंगल के अंतर्गत आपको काम करना है या मंगल के अंतर्गत जो आने वाले अन्य फॉन्ट है जो यूनिकोड के अंतर्गत आते हैं उनके माध्यम से आपको काम करना है तो आपको ये रेमिंगटन गेल जो है या रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरा है, इसमें भी आप यूनिकोड मंगल के अंतर्गत ही काम कर सकते हैं, यह है रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड CBI, उसका शॉर्ट फॉर्म है CBI, ये भी मंगल के अंतर्गत या यूनिकोड फॉन्ट्स के अंतर्गत काम करता है। चौथा है इनस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड। इनस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड यह भी आधुनिक विभिन्न फॉन्ट का एक समूह है जिसके अनुसार आप आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं इसमें काम कर सकते हैं। पांचवा है फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड, ये हिंग्लिश कीबोर्ड है, मतलब आप किसी भी भाषा में बोले वह हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो है वह टाइपिंग का काम करता है। मतलब वह आप हिंदी में बोलिए वह अंग्रेजी में हिंदी टाइप करेगा, वह अंग्रेजी में हिंदी, जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने, तो MAINE मैंने, इस प्रकार से वह टाइपिंग करेगा। तो मतलब उसे इंग्लिश कीबोर्ड कहा जाता है, वह भी आज आ चुका है। और सातवां है एंड्रॉयड मोबाइल इंग्लिश कीबोर्ड, तो मोबाइल के अंतर्गत भी ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी ये कीबोर्ड निर्माण हुआ है, इसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आज उससे भी आगे जाकर अब अगर हम देखेंगे तो आज टेक्स्ट टू स्पीच कीबोर्ड भी निर्माण हुए कि आप केवल बोलते जाइए वह अपने आप टाइप करके आपके सामने, अगर उसको ऑन कर दिया तो वह अपने आप आपको टाइप करके दे सकता है। तो इस प्रकार के अनेक कीबोर्ड आज उपलब्ध है जिनमें से 6 कीबोर्ड की जानकारी हमने सामान्य रूप से दी है। तो आज मराठी हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखित जो भाषाएं हैं इसके अंतर्गत अगर आपको टाइप करना है तो इन 6 कीबोर्ड्स का उपयोग आप कर सकते हैं। अब अगला भाग है यूनिकोड फॉन्ट। आज यूनिकोड के अंतर्गत कौन कौन से फॉन्ट हमें उपलब्ध है, तो लगभग 8 फॉन्ट यूनिकोड के अंतर्गत आज उपलब्ध है। तो जिसमें पहला है एरियल, एरियल अंग्रेजी भी है, एरियल यूनिकोड के अंतर्गत आने वाला हिंदी या देवनागरी फॉन्ट भी है। दूसरा है मंगल, जो आज सर्वाधिक मात्रा में सरकारी विभाग द्वारा या अन्य स्थानों पर भी उपयोग किया जाता है वह मंगल है। तीसरा है अक्षर, चौथा अपराजिता,
पांचवा कोकिला, छठा आर्या, सातवा उत्साह और आठवा निर्मला यूआई। तो फिर से एक बार देखिए, कैरियल, मंगल, अक्षर, अपराजिता, कोकिला, आर्या, उत्साह और निर्मला यूआई, इस प्रकार के आठ फॉन्ट आज यूनिकोड पर हमें उपलब्ध होते हैं और जिसके माध्यम से हम बड़ी आसानी के साथ टाइप कर सकते हो। अब हम आखिरी मुद्दे की ओर आते हैं। आखिरी मुद्दा है कंप्यूटर पर यूनिकोड इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि अनेक बार हम फॉन्ट के बारे में सुनते हैं लेकिन प्रत्यक्ष जब इंस्टॉल करने की बारी आती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर्स है वह प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स कैसे लेना है, क्योंकि हमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स नहीं मिलेगा तो हम काम में मुश्किलें आ जाती है। दूसरी बात, उसकी प्रॉपर वेबसाइट्स कौन सी है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है ताकि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, कंप्यूटर पर अगर आपको यूनिकोड ये फॉन्ट इंस्टॉल या ये सिस्टम इंस्टॉल करनी है, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आज अगर हम देखें तो दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आज काम करते हैं, 32 बिट और 64 बिट। तो उसके अनुसार अगर आपके कंप्यूटर का सिस्टम 32 बिट का है तो उसी के अनुसार आपको सॉफ्टवेयर चुनना पड़ेगा जो उसे सपोर्ट करता हो। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आपको उसी के अनुसार आपको चुनना पड़ेगा या आपको लेना पड़ेगा ताकि वह आपका काम आसानी से कर सके। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 64 बिट का कोई प्रोग्राम डालते हो तो वह काम नहीं करेगा। 64 बिट के अंतर्गत 32 बिट का कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम डालते हो तो वह भी काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये समझ लेना और वह देखना ज़रूरी हो जाता है। चलो ठीक है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, अब क्या करना है। अब हमें कुछ ऑफिशियल साइट्स है जहाँ से हम यूनिकोड को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली साइट है microsoft.com/en-in-bhasha-india-downloads। फिर से एक बार देख लीजिए, www.microsoft.com/in-in-bhasha-india-download यहाँ या इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है www.ildc.gov.in, ये गवर्नमेंट साइट है, यहाँ से भी आप यूनिकोड डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी है www.ildc.in। ये तीन वेबसाइट्स है जहाँ से आप यूनिकोड फॉन्ट या यूनिकोड सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप इन वेबसाइट्स पर जाओगे तो आपको ये यूनिकोड सिस्टम डाउनलोडर दिखाई देगा और वहाँ जाने के बाद जो निर्देश वहाँ पर दिए जाएंगे उनका पालन आपको करना है और उनका पालन करते हुए आपको यूनिकोड को डाउनलोड करना है। कैसे, वह भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनमें से किसी भी साइट पर गए, चलो समझ लीजिए आप ildc.gov.in पर गए, गवर्नमेंट साइट है, ऑफिशियल साइट पर गए, तो उसमें आपको सबसे पहले रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। किया, अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस कुछ उसके आगे आपके कुछ ऑप्शंस फिर खुल जाएंगे। जब आप रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ अधिक ऑप्शन, कुछ और ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको चेंज कीबोर्ड पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन, दूसरे नंबर पर आपको करना है कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस, फिर आपको चेंज कीबोर्ड्स, उसके चेंज कीबोर्ड पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने फिर ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा जनरल, तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपके सामने ऑप्शन आएंगे अनेक, उसमें से आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हिंदी
इंडिया पर क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड देवनागरी इंस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है और फिर ओके बटन दबाना है। तो फिर से एक बार देखते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन, दूसरा कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस, तीन नंबर चेंज कीबोर्ड, फिर जनरल, फिर ऐड, फिर हिंदी इंडिया और फिर कीबोर्ड देवनागरी इंस्क्रिप्ट, इसे सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। अपने आप आपका जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वह आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होने लगेगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब आपको आपके सभी विंडोज़ बंद कर देने हैं और सभी विंडोज़ बंद करके फिर एक वर्ड फाइल ओपन करनी है और उसके लिए या उसमें अल्टर प्लस शिफ्ट दबाकर आपको अल्टर और शिफ्ट ये दोनों बटन आपको एक साथ दबाने हैं और आपकी लैंग्वेज चेंज करनी है। अल्टर और शिफ्ट एक साथ दबाकर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है और उस फिर जब आपकी लैंग्वेज चेंज होगी तो उसमें से आपको यूनिकोड में से किसी एक फॉन्ट का चयन करना है और फिर आप यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से टाइपिंग का काम कर सकते हो। मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। एक केवल आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है और व्यवस्थित रूप से जो निर्देश दिए गए उनका पालन करते हुए आपको यूनिकोड डाउनलोड करना है। अगर आपने एक बार डाउनलोड कर दिया तो आप बड़ी आसानी के साथ हिंदी टाइपिंग का काम जो है वह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यूनिकोड इस टॉपिक का परिचय जो है प्राप्त किया है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।